प्रियंका चाह चौधरी और रणदीप हुडा का मच अवेटेड म्यूजिक वीडियो जोहरा जबी का पोस्टर कल रिलीज हुआ था आज अब टीजर आ गया है जी हाँ टीजर आ चुका है अब गाने का और देखिए टीजर देखने के बाद फैंस एकदम एक्साइटेड हो गए हैं कि आखिर कब इसका गाना जो है वो फुल रिलीज़ होगा क्योंकि टीज़र में जिस हिसाब से जिस इंटेंसिटी के साथ जिस इतने इंटेंस लुक्स के साथ किरदार जो नज़र आ रहे हैं इस म्यूज़िक वीडियो के मतलब कमाल है मतलब प्रियंका चाहर चौधरी स्टार्टिंग में नज़र आती हैं वॉक करते हुए मतलब उनकी वॉक से उनके लुक से स्टार्टिंग में ही दिख जाता है कि कितना पावरफुल ये गाना है कितना पावरफुल कितना इंपैक्टफुल और कितनी ज़्यादा यू नो इंटेंसिटी के साथ इन किरदारों ने इस गाने में अपने अपने किरदारों को निभाया है प्रियंका चाहर चौधरी का लुक बहुत अच्छा लग रहा है मतलब वो नई नई दुल्हन के रूप में नजर आ रही हैं बनी हुई ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अभी अभी शादी हुई है रणदीप हुडा एक यू नो वन साइडेड आशिक या फिर आप कह लीजिए जिन्हें जिसे प्यार में धोखा मिला हुआ आशिक यू you नो know, कहते हैं तो कुछ ऐसा हाल जो है रणदीप हुडा ने बनाया हुआ है अपना इस टीजर में और एक गुड़िया होती है बेसिकली उसको प्रियंका चाहर चौधरी की तरह ही सजाते हैं रणदीप हुडा और अंत में उसको जला देते हैं जी हाँ अंत में उस डॉल को रणदीप हुडा जला देते हैं और देखिए कुछ तो प्रियंका के कानों में विस्पर करते हैं कुछ तो कहते हैं वो जिसे प्रियंका सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं टीज़र बड़ा ही इम्पैक्टफुल लगा है बहुत ही पावरफुल लगा है अंकित गुप्ता ने ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया है जब पोस्टर रिलीज़ किया देखिए प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत सारे फ्रेंड्स ने इस पर रिएक्शन दिए अंकित गुप्ता ने कहा कि इट इज़ ऑलरेडी अ हिट मतलब ये ऑलरेडी हिट हो चुका है और देखिए टीज़र देखने के बाद ऐसा लग भी रहा है कि गाना जो है वो सुपर डुपर हिट होने वाला है प्रियंका डेफिनेटली इसमें बहुत ही बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टर तो देखिए वो है ही साथ ही साथ रणदीप हुडा उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पहली बार ये जोड़ी नजर आने वाली है साथ में और बहुत कमाल के लग रहे हैं देखिए मेरे को तो, तो टीजर बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा टीजर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी नमस्कार प्रियंका चाहल चौधरी का दुल्हन अवतार आपने देखा डेफिनेटली जोहरा ज़बीन का जो पोस्टर आया है उनके म्यूज़िक वीडियो का उसमें प्रियंका बहुत खूबसूरत लग रही हैं उनका जो ये ब्राइडल अवतार है जो दुल्हन का अवतार है जो आपको पूरे म्यूज़िक वीडियो में नज़र आने वाला है वो भी शॉर्ट शॉर्ट बहुत अच्छा लग रहा है मतलब निखर कर सामने आ रहा है प्रियंका बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है जैसे ही ये गाना रिलीज़ हुआ माफ़ कीजिए पोस्टर रिलीज हुआ वैसे ही इस गाने के जो पोस्टर का जो एक हैशटैग है जोहरे ज़बीन पोस्टर आउट ये तो ट्रेंड हुआ ही हुआ साथ ही साथ ट्रेंड हुई प्रियंका चाहार चौधरी भी जी हाँ प्रियंका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग लिस्ट पर रहती हैं अक्सर और बहुत ही एलिगेंटली और इफेक्टलेसली वो ट्रेंड करती हैं उनके लिए कुछ ऐसा प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि चलिए ट्रेंड करवाते हैं उनका ऑटोमेटिकली अपने आप सब कुछ हो जाता है तो प्रियंका तभी से ही ट्रेंड करने लगी जब से उनका जहरे ज़मीन का पोस्टर हुआ लेकिन एट द सेम टाइम ब्राइडल अवतार की जब बात हो रही है यू नो ब्राइडल लुक की बात हो रही है जैसे ही प्रियंका का ब्राइडल लुक सामने आया उसके कुछ समय पहले ही बस कुछ समय पहले मतलब आप दो तीन घंटे पहले लगा लीजिए आयशा सिंह जिन्हें बहुत बहुत पसंद किया गया सईद जोशी के कैरेक्टर में उनके किरदार में आयशा सिंह का भी दुल्हन वाला अवतार नजर आया है जी हाँ आयशा सिंह ने भी दुल्हन के अवतार में फोटोशूट करवाया था और वो उनका फोटोशूट भी नज़र आया आप देखिए उनका भी जैसे ही फोटोशूट आया वो भी ट्रेंड करने लगी इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब आयशा सिंह और प्रियंका चाहर चौधरी दोनों का ही ब्राइडल अवतार आपको नज़र आया फैंस को नज़र आया दोनों का आयशा सिंह के फैंस ने उन्हें ट्रेंड करवाया प्रियंका के फैंस ने उन्हें ट्रेंड करवाया दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी एफर्टलेसली मतलब एलिगेंट लग रही थी क्लास लग रही थी दोनों में बहुत अच्छी लग रही हैं दोनों लेकिन इसी के साथ ही आयशा वर्सेज प्रियंका की भी एक जंग छिड़ गई जी हां किसका दुल्हन अवतार ज़्यादा अच्छा है किसका ब्राइडल लुक ज़्यादा अच्छा है इस बात के भी चर्चे होने लगे इस बात पर भी यू नो डिस्कशंस हुई बहस हुई अब प्रियंका के फैंस कह रहे हैं कि प्रियंका बहुत अच्छी लग रही हैं और सबसे ज़्यादा खूबसूरत वही लग रही हैं ब्राइडल लुक में आयशा के फैंस कहते हैं कि नहीं आयशा अच्छी लग रही हैं आयशा हर लुक में ही वैसे तो अच्छी लगती हैं तो आयशा के फैंस का कहना है कि आयशा का ब्राइडल लुक बहुत मेसमराइजिंग है आपको क्या लगता है दोनों में से किसका मतलब दोनों के बीच अगर एक पोल होता है कि किसका ब्राइडल लुक ज्यादा बेटर था ज्यादा अच्छा था आपको क्या लगता है कि किसका ब्राइडल लुक ज्यादा अच्छा है आयशा का या फिर प्रियंका चाह चौधरी का कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को विच जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी नमस्कार फमान खान की मस्ती की वीडियोस और फोटोज़ तो अक्सर आती ही रहती हैं देखिए उनका सीरियल धर्म पत्नी भले ही अब ऑफेयर होने वाला हो लेकिन जितनी मस्ती जितना धमाल आई गेस फमान खान करते हैं देखिए उतने ही अच्छे एक्टर भी हैं वो नो no डाउट उतने ही वर्सटैलिटी है उनकी एक्टिंग में उतने ही ज़्यादा अच्छे वो अदाकारी करते हैं लेकिन उसके अलावा अगर मैं सबसे ज़्यादा कोई मस्ती धमाल करता है सेट्स पर शो के सेट्स पर तो वो हैं वन एंड ओनली फमान खान मतलब फमान खान आए दिन उनके पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल होते हैं आए दिन उनके सेट से नई तस्वीरें नई वीडियोस निकल कर सामने आती हैं जिसमें फमान खान बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं अब रिसेंटली एक और उनके यू नो कुछ फोटोज़ और वीडियोज निकल कर सामने आए हैं जो उन्हीं के को एक्टर्स ने उन्हीं के को स्टार्स ने उनके सीरियल धर्मपत्नी के अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपलोड किए हैं पब्लिश किए हैं बस जिनको रिपोस्ट किया है फमान खान ने इन सभी पोस्ट में बहुत ज़्यादा मस्ती और धमाल करते हुए फमान खान नज़र आ रहे हैं एक तस्वीर में वो अपनी को स्टार अदिति शेट्टी के साथ पोज देते हुए नज़र आ रहे हैं और देखिए पोज भी देखिए ऐसा वैसा नहीं सिंपल पोज नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा यू नो धमाल और फन का जो एक पोज होता है मतलब फ़न वाला जो पोज है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं एक वीडियो में फमान खान मेकअप लेते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन उनकी फमान खान बहुत ही ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं वो आ, कुछ शॉट कर रहे थे कुछ शूट कर रहे थे और उसी में ही वो मेकअप ले रहे थे और इसी दौरान उनकी को एक्ट्रेस जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं तो फमान खान जो है वो कुछ बोलते हुए नज़र आते हैं यू नो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा डायलॉग है उनके यू नो स्क्रिप्ट का जो जिसको बोलते हुए नज़र आ रहे हैं फमान खान तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती और धमाल करते हैं डेफिनेटली अपने शो के सेट पर अब देखिए खबरें ये हैं कि उनका जो शो है वो जल्दी ऑफर होने जा रहा है लेकिन एक अच्छी खबर ये है फमान खान के फैंस के लिए कि जल्द ही उनका नया शो भी आ सकता है मतलब नागिन सेवन में काम करने की अटकलें बहुत तेज़ हो गई हैं फमान खान की ऐसी खबरें हैं कि आयशा सिंह के साथ जी हाँ आप सबकी प्यारी आयशा सिंह जो सई जोशी का किरदार निभा चुकी हैं गुम है, है किसी के प्यार में सीरियल में तो देखिए ऐसी खबरें हैं कि उनके साथ नागिन सेवन करते हुए नजर आएंगे फमान खान अगर ऐसा होता है तो फमान के फैंस ही नहीं मतलब आयशा के फैंस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे स्क्रीन पर बहरहाल अब देखते हैं क्या रहता है और इतना तो श्योर है कि सेप्टेम्बर जो है वो आखिरी महीना है फमान खान के शो धर्मपत्नी के लिए इसके बाद जो है वो शो कभी भी ऑफर हो जाने वाला है बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी नमस्कार आयशा सिंह के फैंस के लिए बहुत बहुत बड़ा धमाका हो गया है देखिए आयशा सिंह के फैंस को बहुत बड़ा तोहफा मिला है और इतना बड़ा तोहफा इतना बड़ा गिफ्ट दिया है खुद आयशा सिंह ने जी हाँ आयशा सिंह की तस्वीरें क्या खूब कमाल कर रही हैं मतलब गज़ब ढा रही हैं आयशा सिंह अपने दुल्हन वाले अवतार में उन्होंने ये जो फ़ोटोशूट करवाया है जिस फोटोशूट में वो एक ब्राइड के रूप में नज़र आ रही हैं वो आ, बहुत बहुत ज़्यादा एलिगेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली उस चीज़ को किया गया यू नो उस फोटोशूट में आयशा सिंह बहुत ज़्यादा अच्छी तो लग ही रही हैं लेकिन साथ ही में बहुत ही ग्रेस बहुत ही क्लास एलिगेंस के साथ आयशा सिंह ने एक एक तस्वीर में पोज दिया है आपको बता दें जैसे ही इन तस्वीरों को आयशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया सोशल मीडिया पर शेयर किया वैसे ही उनके फैंस जो हैं वो आ, उन्होंने इस पूरे फोटोशूट को सभी पिक्चर्स को एकदम वायरल कर दिया बहुत ज्यादा ट्रेंड होने लगी आयशा सिंह तरह तरह के कॉमेंट्स उनके फैंस ने किए उनकी स्माइल को लेकर उनके स्टाइल को लेकर उनकी ब्यूटी को लेकर उनकी एलिगेंस उनकी क्लास हर एक चीज को लेकर उनके फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हैं मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तो लग ही रही हैं आयशा साथ ही साथ आपको बता दें उनके इस ब्राइडल शूट ने फोटोशूट ने अब धमाल मचा दिया है हर तरफ सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड कर ही रही हैं आयशा आपको बता दें इसके साथ ही उनके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी उनके एक्टर्स हैं वो भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे आयशा की इन तस्वीरों को लाइक और कॉमेंट करने से उनके बहुत ही क्लोज एक्टर सचिन श्रोफ ने इस आ, फ़ोटोशूट पर कमेंट किया पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ ऐसा कहना है उनके को एक्टर सचिन श्रोफ़ का जिन्होंने मस्ती मज़ाक में ये कमेंट किया है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा एलिगेंस के साथ इस फ़ोटोशूट को शूट किया गया है और आयशा बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रति लग रही हैं इस ब्राइडल फ़ोटोशूट में आपका क्या कहना है इस फ़ोटोशूट को लेकर कॉमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी नमस्कार हम हैं काव्या बंसल और हम खुशी खुशी चुड़ैल कहलाते हैं जी हा तोकिर खान ने अपने नए शो काव्य के एक नए प्रोमो में ये साफ साफ ऐलान कर दिया है इस बात का कि देखिए हम हैं काव्या बंसल और हमें लोग चुड़ैल कहते हैं कब कहते हैं चुड़ैल जब लड़कियां जो हैं वो खुद के फैसले खुद लेने लगती हैं अब देखिए आप जानते ही हैं कि सुम्बुल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सीरियल में नज़र आने वाली हैं एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पावर पावरफुल कैरेक्टर में नया प्रोमो आया है उनके शो काव्य का हालांकि प्रोमो आए तो अभी कुछ टाइम हो गया मतलब दो से तीन दिन हो गए लेकिन ये जो प्रोमो है ना मतलब वो इतना पावरफुल है कि इस प्रोमो से लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं मतलब अभी पूरा शो एयर होना बाकी है प्रीमियर होना बाकी है लेकिन उससे पहले ही उससे पहले ही इस प्रोमो की या फिर आप कह लीजिए इस पूरी स्टोरी लाइन की पूरी कहानी की जमकर तारीफ हो रही है और सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है इसमें सुबुल तोकिर खान की परफॉर्मेंस की पावर पैक्ड परफॉर्मेंस सुम्बुल तोकिर खान देती हुई प्रोमोज में नजर आ रही हैं इस प्रोमो में भी सुम्बुल कहती हुई नजर आ रही है कि लड़की को लिपस्टिक लगानी चाहिए ब्राइट लगानी चाहिए लेकिन ज्यादा ब्राइट भी नहीं लगानी चाहिए इसके साथ ही वो कहती है कि ट्रिप्स पे जाना चाहिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए ये और अगर कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती है तो देखिए उन्हें लोग चुड़ैल कहते हैं उन्हें चुड़ैल कहा जाता है और अगर कोई भी लड़की जो है वो कुछ ऐसा करती है कुछ ऐसा करती है जो उससे एक्सपेक्टेड नहीं होता या फिर यू यूनो एक जो गर्ल्स का स्टीरियो होता है कि ये काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं ये काम लड़कियों को ही अलाउड है या फिर ये लड़कियां बिल्कुल नहीं कर सकती ये लड़कियों को करना बिल्कुल अलाउड नहीं है तो सुम्बुल ने कहा कि जो काम लड़कियां एक्सपेक्टेड पेशेंट से हटकर करती हैं बेसिकली वो चुड़ैल कहलाती हैं उस सिचुएशन में यू you नो know, और फैंस जो हैं वो क्रेजी हो गए हैं इस प्रोमो के बाद सुम्बुल के क्योंकि 25 तारीख से ये शो ऑन एयर होना है साढ़े सात बजे आएगा सोनी टेलीविजन पर लेकिन उससे पहले ही एक के बाद एक प्रोमोज ने बहुत बहुत ज्यादा एक यू you नो know, इसका एक हाइप क्रिएट करके रख दिया है इसमें आ, मिशिकात हैं सुम्बुल के साथ अनुज सुलेरे हैं आ, सुम्बुल के जो सेकेंड को स्टार हैं इस सीरियल में सेकेंड लीड कह लीजिए जो मेल एक्टर्स में सेकेंड लीड है तो देखिए बहुत ज़्यादा धमाल होने वाला है जब शो जो है ऑन एयर होगा डेफिनेटली सुम्बुल के फैंस तो बड़े ही एक्साइटेड हैं और हम खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आखिर ये प्रोमो जो है आ, मतलब प्रोमो के बाद अब जो ये शो ऑन ऑनियर होगा ये पावर पावर पैक्ड परफॉर्मेंस तो है ही सुबुल के साथ ही बताऊँ कि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा सुम्बुल के लिए और सुबुल क्या कमाल की अदाकारा है मतलब क्या कमाल की एक्ट्रेस है सुम्बुल जो भी करती हैं मतलब एकदम दिल से करती हैं और एकदम उनका जो यू नो you know, एक एक डायलॉग है या एक एक लाइन है ना वो सीधा दिल को छू जाता है मतलब फैंस एग्री करेंगे आई थिंक सुम्बुल के मेरी बातों से कि सुम्बुल डेफिनेटली बेंचमार्क सेट करने वाली है शो के साथ मुझे ऐसा फील फील हो रहा है और ऐसी फीलिंग आ रही है बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय कॉमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी नमस्कार प्रियंका चाहर चौधरी का मच अवेटेड म्यूज़िक वीडियो जोहरे ज़मीन का पोस्टर अब रिलीज़ हो चुके हैं देखिए अब दोनों के पोस्टर रणबीर रंदी, रणदीप हुडा का और प्रियंका चाहर चौधरी का पोस्टर दोनों का इंडिविजुअली रिलीज़ हो चुका है दोनों ने अपने सोशल मीडिया अपने इंस्टाग्राम पर अपने अपने पोस्टर को शेयर किया है मतलब बी की आवाज़ में ये म्यूज़िक वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है प्रियंका इसमें एक ब्राइड के रूप में नज़र आ रही है मतलब जो फ़ोटोशूट नजर आया है जो पोस्टर नज़र आया है उसमें तो प्रियंका एक ब्राइड लग रही हैं यू नो एक ब्राइड के तौर पर एक ब्राइड में जिस हिसाब से ब्राइड जो है वो चूड़ा पहनती है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो प्रियंका इसमें बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं जब प्रियंका इस शूट कर रही थी इस म्यूज़िक वीडियो के लिए तब उन्होंने तेजो वाइब्स का भी एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें किस तरीके से उनके कैरेक्टर तेजो संधो वाली वाइब्स आ रही हैं इस म्यूज़िक वीडियो को शूट करते हुए तो डेफ़िनेटली प्रियंका के वो उडारिया वाले दिन तो ताज़ा हो ही गए होंगे मतलब वो जो मेमोरीज़ उनकी थी एज़ तेजो संधो जो उन्होंने किरदार निभाया था सीरियल उडारिया में आई एम श्योर इस म्यूज़िक वीडियो को करते हुए इसको शूट करते हुए वो जो उनकी यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो गई होंगी और उन मेमोरीज़ को फिर से जिया होगा उन्होंने बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही हैं इस पोस्टर में और अब उनके जो फैंस हैं वो बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस म्यूजिक वीडियो के आउट होने का बी पराग की आवाज में ये म्यूजिक वीडियो मिलेगा आपको और साथ में आपको रणदीप हुडा नजर आएंगे प्रियंका और रणदीप हुडा की जोड़ी पहली बार इस म्यूज़िक वीडियो में सामने नजर आएगी साथ नजर आएगी अब देखना ये होगा कि क्या कमाल करते हैं ये दोनों मिलकर और जब ये म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ होगा तब क्या कुछ कमाल होता है बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय कॉमेंट सेक्शन में हमें लिख ज़रूर बता दीजिएगा बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी नमस्कार आयशा सिंह के ब्राइडल लुक के चर्चे अब हर तरफ हो रहे हैं देखिए आयशा सिंह वैसे भी जो भी पोस्ट करती हैं जो भी पिक्चर्स वो अपलोड करती हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हमेशा वो ट्रेंडिंग पे रहता है हमेशा फैंस जो हैं वो उसको जमकर ट्रेंड करवाते हैं मतलब फैंस रिसिस्ट नहीं कर पाते हैं खुद को और आयशा सिंह डेफिनेटली ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गई जैसे ही उन्होंने इस अपने ब्राइडल शूट को ब्राइडल फोटोशूट को जो है वो सबके सामने लेकर आई लेकिन उनके को स्टार फिदा हो गए मतलब उन पर देखिए उनके को स्टार जो हैं आयशा सिंह की हर पिक्चर पर फिदा हो जाते हैं जी नहीं हम यहाँ पर नील भट्ट की बात नहीं कर रहे हैं नील भट्ट तो देखिए फिलहाल अभी उन्हें अनफॉलो किए हुए हैं तो नील भट्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सचिन श्रौफ़ की जिन्होंने बहुत ही प्यारा सा एक कॉमेंट है बहुत ही प्यारा सा एक कॉमेंट किया है आयशा सिंह की इन तस्वीरों पर जिसमें वो ब्राइड के यू नो लुक में नजर आ रही हैं अब क्या कॉमेंट किया है देखिए वो अगले वीडियो में आपको पता चलेगा बाकी आयशा सिंह खूबसूरत तो लग ही रही हैं आयशा सिंह के फैंस के लिए बहुत बहुत बड़ा धमाका हो गया है देखिए आयशा सिंह के फैंस को बहुत बड़ा तोहफा मिला है और इतना बड़ा तोहफा इतना बड़ा गिफ्ट दिया है खुद आयशा सिंह ने जी हाँ आयशा सिंह की तस्वीरें क्या खूब कमाल कर रही हैं मतलब गजब ढा रही हैं आयशा सिंह अपने दुल्हन वाले अवतार में उन्होंने ये जो फ़ोटोशूट करवाया है जिस फ़ोटोशूट में वो एक ब्राइड के रूप में नज़र आ रही हैं वो आ, बहुत बहुत ज़्यादा एलिगेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली उस चीज़ को किया गया यू you नो know, उस फोटोशूट में आयशा सिंह बहुत ज़्यादा अच्छी तो लग ही रही हैं लेकिन साथ ही में बहुत ही ग्रेस बहुत ही क्लास एलिगेंस के साथ आयशा सिंह ने एक एक तस्वीर में पोज दिया है आपको बता दें जैसे ही इन तस्वीरों को आयशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया सोशल मीडिया पर शेयर किया वैसे ही उनके फैंस जो हैं वो आ, उन्होंने इस पूरे फोटोशूट को सभी पिक्चर्स को एकदम वायरल कर दिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने लगी हैं आयशा सिंह तरह तरह के कमेंट्स उनके फैंस ने किए उनकी स्माइल को लेकर उनके स्टाइल को लेकर उनकी ब्यूटी को लेकर उनकी एलिगेंस उनकी क्लास हर एक चीज़ को लेकर उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो लग ही रही हैं आयशा साथ ही साथ आपको बता दें उनके इस ब्राइडल शूट ने फोटोशूट ने अब धमाल मचा दिया है हर तरफ सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड कर ही रही हैं आयशा आपको बता दें इसके साथ ही उनके जितने भी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी उनके को एक्टर्स हैं वो भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे आयशा की इन तस्वीरों को लाइक और कमेंट करने से उनके बहुत ही आ, क्लोज को एक्टर सचिन श्रोफ़ ने इस फोटोशूट uh, पर कमेंट किया पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ ऐसा कहना है उनके को एक्टर सचिन श्रोफ़ का जिन्होंने मस्ती मजाक में ये कमेंट किया है लेकिन uh, बहुत बहुत ज़्यादा एलिगेंस के साथ इस फ़ोटोशूट को शूट किया गया है और आयशा बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रीटी लग रही हैं इस ब्राइडल फोटोशूट में आपका क्या कहना है इस फ़ोटोशूट को लेकर कॉमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु स्वामी नमस्कार प्रियंका चाहर चौधरी का मच अवेटेड म्यूजिक वीडियो जोहर जमीन का पोस्टर अब रिलीज हो चुके हैं देखिए अब दोनों के पोस्टर रणबीर रंदी, रणदीप हुडा का और प्रियंका चाहर चौधरी का पोस्टर दोनों का इंडिविजुअली रिलीज हो चुका है दोनों ने अपने सोशल मीडिया अपने इंस्टाग्राम पर अपने अपने पोस्टर को शेयर किया है मतलब बीपराग की आवाज़ में ये म्यूजिक वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है प्रियंका इसमें एक ब्राइड के रूप में नज़र आ रही है मतलब जो फोटोशूट नज़र आया है जो पोस्टर नज़र आया है उसमें तो प्रियंका एक ब्राइड लग रही हैं यू नो एक ब्राइड के तौर पर एक ब्राइड में जिस हिसाब से ब्राइड जो है वो चूड़ा पहनती है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो प्रियंका इसमें बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं जब प्रियंका इस शूट कर रही थी इस म्यूज़िक वीडियो के लिए तब उन्होंने तेजो वाइब्स का भी एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें किस तरीके से उनके कैरेक्टर तेजो संधो वाली वाइब्स आ रही हैं इस म्यूज़िक वीडियो को शूट करते हुए तो डेफ़िनेटली प्रियंका की वो उडारिया वाले दिन तो ताज़ा हो ही गए होंगे मतलब वो जो मेमोरीज़ उनकी थी एज़ तेजो संधू जो जो उन्होंने किरदार निभाया था सीरियल उडारिया में आई एम श्योर इस म्यूज़िक वीडियो को करते हुए इसको शूट करते हुए वो जो उनकी यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो गई होंगी और उन मेमोरीज़ को फिर से जिया होगा उन्होंने बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही हैं इस पोस्टर में और अब उनके जो फैंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस म्यूजिक वीडियो के आउट होने का बी पराग की आवाज़ में ये म्यूज़िक वीडियो मिलेगा आपको और साथ में आपको रणदीप हुडा नजर आएंगे प्रियंका और रणदीप हुडा की जोड़ी पहली बार इस म्यूजिक वीडियो में सामने नजर आएगी साथ नजर आएगी अब देखना ये होगा कि क्या कमाल करते हैं ये दोनों मिलकर और जब ये म्यूज़िक वीडियो रिलीज होगा तब क्या कुछ कमाल होता है बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी नमस्कार